लेटर पढ़ते हैं। तो मैं आप दोनों से ये सवाल पूछना चाहूँगा कि जब आप लोगों के लिए ये फिल्म तो ऑब्वियसली सब्जेक्टिव है, सारे जो कुछ भी आप लोगों ने किया काफ़ी दिल के करीब होगा, लेकिन फिर भी कोई एक ऐसा सीन जो आप लोगों का फेवरेट हो, ऋषि कपूर सर आपका और अमित सर आपका? मेरे तो पूरी फिल्म है, आई लाइक द फुल फिल्म। या ऐसे अलगाव हमसे नहीं होता हमारे मन में, हमारे लिए हर सीन, एक चल के आना हो, कुछ ना बोलना हो, केवल खड़े होना हो, वो भी हमारे लिए एक समस्या होती है। कहाँ जाना है, कहाँ खड़े होना है, चेहरे पे क्या एक्सप्रेशन होना चाहिए, कई एक जगह पर पीछे खड़े हैं, कहीं कुछ करना नहीं है, तो हमारे लिए हर एक सीन जो है वो ऐसे ही होता है। बहुत से ऐसे कलाकार हैं जो कि बहुत दूर खड़े हैं पीछे, फिर भी आप उन्हीं को देखेंगे, सामने जो फोरग्राउंड में खड़े हैं उनको नहीं देखेंगे आप। उदाहरण देता हूँ मैं आपको, हमारी एक फिल्म थी बॉम्बे टू गोवा, उसमें अरुण रानी जी मेरे साथ थी और शत्रुघ्न सिन्हा। एक सीक्वेंस था जहाँ स्विमिंग पूल के पास अरुण रानी जी और मैं कुछ बात कर रहे हैं और शत्रुघ्न सिन्हा जी यहाँ थे, फिर उनको हमने कुछ ऐसे ही डांट फटकार करके पीछे, थोड़ा विलेन का रोल था उनका, डांट फटकार के पीछे छोड़ दिया, हम लोग आगे चले गए फोरग्राउंड में, हम लोग दोनों बात कर रहे हैं। बात करते करते वो एकदम आउट फोकस में है, पीछे खड़े, बात हम लोग दोनों कर रहे हैं, सडनली सर मैंने देखा कि एक स्मोक रिंग चलता हुआ हमारे सामने आ रहा है। दैट वॉज शत्रुघ्न सिन्हा स्मोकिंग एट द बैक देयर एंड सेंडिंग स्मोक रिंग्स इन द फ्रंट। So you would wonder where this has come from. Smoke signal. And you start looking at him instead of the two people in front of the camera. So aise bahut udaharan hote hain. But you know, wo bhi ek kala hai apne aap mein. Ek chhota sa aur sawal tha ki jab aap log filmon mein kaam karte hain aur koi aisi film hoti hai jisme zyada makeup karna padta hai aur ghanton makeup mein baithna padta hai kyunki आप लोगों को एक अलग अवतार लेना होता है, जैसे ऋषि सर ने कपूर एंड सन्स में 6-6 घंटे मेकअप के लिए बैठते थे, इसमें भी काफी घंटे आप बैठे पाँव में इतनी देर। जी मैं वही बोलने वाला था, पाँव में आपने एक अलग लुक लिया था जिसमें एक्टिंग से ज्यादा आपको मेकअप पर ध्यान देना होता है और एक्टिंग कम समय के लिए करनी पड़ती है क्योंकि इसमें ज्यादा वक्त लगता है, तो ऐसे में परफॉर्मेंस कितना हैम्पर होता है जब कॉस्ट्यूम पे और मेकअप पे ज्यादा ध्यान होता है? जब परफॉर्मेंस एनहांस होता है, एक बार वो चेहरा लग जाता है तो फिर आप वैसे ही बन जाते हैं और उसी के मुताबिक करना पड़ता है। प्रोस्थेटिक्स जो हैं वो चेहरे को और स्किन को और फेशियल एक्सप्रेशंस को एकदम जकड़ देते हैं, तो किस तरह से कितना हिला सकते हैं, कितना कर सकते हैं, वो अपने आप में एक एक्टिंग हो जाती है। तो मेरे हिसाब से तो जब वो प्रोस्थेटिक्स लगता है तो वो हमें बहुत फ़ायदा देता है या फायदेमंद होता है। ऋषि सर, जैसे मैंने इस फिल्म में 102 में अमित जी को देखा था, जब पहला शॉट में दे रहा था तो वो किस तरह से अपने रोल में घुस रहे थे, अपने कैरेक्टर में, एंड ही वॉज फ्लर्टिंग विद दोज वर्ड्स एंड हिज आई डोंट नो वेदर ही नोज अबाउट इट और डिड यू डू इट ऑन पर्पस, ही इज यूजिंग हिज टूथ, हिज गम, हिज यू नो, जब पहले एक दो शॉट में ही वॉज गेटिंग इन टू द कैरेक्टर, आई नोटिस्ड इट, आई हैव ऑल्सो टॉक्ड अबाउट इट, ये एक्सरसाइज, सो दैट इज वॉट यू आर सेइंग, ये जैसे उन्होंने कहा, ये यू नो इट एनहांसेस योर वर्क बिकॉज दैट्स व्हाट ही डिड। अमित सर आपके सामने, सर बतौर एक्टर बतौर सिंगर लोगों ने आपको काफ़ी प्यार दिया है, लेकिन इस फिल्म के साथ बड़ुम्बा गाने में आपने कंपोज भी किया है गाना, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस, डिफिकल्ट था, इजी था आपके लिए, क्योंकि अब तो आप लोगों के दिलों में बैठे हुए हैं, राज करते हैं आप लोगों के दिलों में, कैसा रहा कंपोज? ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई धारणा भी नहीं है, यदा कदा हम ऐसे ही गुनगुनाते रहते हैं, बेसुरे से ही लेकिन गुनगुनाते रहते हैं, तो सबसे पहले राकेश कुमार ने मिस्टर नटवरलाल में एक गाना था, मेरे पास आओ मेरे दोस्तों, उन्होंने कहा ये आपको गाना है, मैंने उसे कहा तुम पागल हो गए, ऐसे होगा नहीं हमसे सब, बहरहाल किसी तरह वो गाना गवा दिया, फिर उसके बाद धीरे धीरे सब लोग गाना गवाने लगे, होली के समय हम लोग बचपन से गाते आ रहे हैं रंग बरसे और बहुत सारी जो लावारिस में गाना था मेरे अंगने में, ये सब हम लोग होली के समय में गाते थे, प्रकाश जी ने और यश चोपड़ा जी ने जो कि आते थे हमारे यहाँ होली खेलने, उन्होंने सुना इसको और उन्होंने कहा कि इसको हम फिल्म में डालेंगे, वहाँ भी मैंने कहा ये पागलपन है, लेकिन वो पड़ गया, फिर प्रचलित भी हो गया। तो जब
और बीच बीच में मैं, हमारे मित्र अब गुजर गए हैं, आदेश श्रीवास्तव, रात भी रात हम लोग अकेले बैठ जाते थे उनके स्टूडियो में ऐसे ही बातचीत करने के लिए, और कभी कुछ धुन निकल जाती थी उसको हम लोग रिकॉर्ड कर लेते थे, कोई गाना गा देते थे ऐसे ही मजाक मजाक में। फिर धीरे धीरे बागबान आए, उसमें हमने कहा कि यार हमको भी मौका दो, इसमें हम कुछ गाना गा देते हैं या बनाते हैं। तो इसी तरह शावा शावा भी जो थी वो बनी कभी खुशी कभी गम में। एक्चुअली करण जौहर ने कोई और गाना रिकॉर्ड किया था, फिर मैंने जब उसको सुना मैंने कहा करण ये अच्छा नहीं लग रहा यार, मैंने कहा कि अभी तो शूटिंग है, मैंने कहा एक दिन दो मैं ट्राई करता हूँ कुछ और बनाने के लिए। तो आदेश और मैं बैठे और फिर एक ये जो शावा शावा गाना बना है वो बन गया। तो इसी तरह हम लोग मजाक मजाक में करते रहते हैं। जब ये फिल्म की बात आई तो जब आखिरी दिन थे शूटिंग के, तो जैसे कि हमने कहा कि मैंने इनसे कहा कि यू नो वी आर मिसिंग अ सॉन्ग इन द फिल्म, ब्रिंग्स इन द एक्साइटमेंट, द यंगर जनरेशन विल नॉट कम टू सी दिस फिल्म बिकॉज देयर इज नथिंग फॉर देम देयर, कैन वी पुट सम काइंड ऑफ अ हैप्पी सॉन्ग देयर। सो ही सेड देयर इज नो स्पेस इन द फिल्म फॉर द सॉन्ग, जगह नहीं है कोई। मैंने कहा एक गाना मैं बना करके आपको सुनाऊं क्या? उन्होंने कहा बनाइए। फिर जब गाना बन गया इनको अच्छा लगा और फिर दैट्स हाउ इट ऑल केम अबाउट। ऐसे ही मस्ती मस्ती में बैठ करके बना दिया, कोई खास परिश्रम नहीं किया हमने। हमारे दो मित्र हैं रोहन विनायक, और उनके साथ भी हम ऐसे ही मस्ती मजाक करते रहते हैं। दरअसल मैं एक एक्चुअली थोड़े एक और विस्तार में इस विषय पर काम कर रहा हूँ। बाबूजी की बहुत सी कविताएं हैं जिनको मैं संगीतबद्ध करना चाहता हूँ और उसी सुर में गाना चाहता हूँ जिस सुर में वो सुनाया करते थे, लेकिन अब उसमें थोड़ा सा म्यूज़िक वगैरह डाल के। मधुशाला हमने रिकॉर्ड की है, वो हो सकता है एक आध महीने में आप सबके सामने पेश करूँगा। और बहुत सी ऐसी कविताएँ हैं जिनको मैंने पढ़ा है लेकिन उसको सजाया है संगीत के साथ। तो इस तरह का परिश्रम हम कर रहे हैं और आने वाले कुछ महीनों में हम उम्मीद करते हैं कि आपके सामने। तो कहीं ना कहीं मेरा ऐसा, मेरी समझ ऐसी है कि आजकल की जो युवा पीढ़ी है वो लिटरेचर में, रीडिंग्स में, पोइट्री वगैरह में इतनी उनकी दिलचस्पी नहीं है। तो अगर हम उसको एक अच्छी तरह से ड्रेसअप कर सकें संगीत के साथ और अच्छी तरह से उसको उसकी व्याख्या कर सकें, सुना सकें, हो सकता है कि शायद उनको पसंद आए। तो कहीं ना कहीं ये म्यूज़िक के साथ हमेशा लगाव रहा है, सबको रहता है म्यूज़िक के साथ। आप लोग भी कभी बैठिए स्टूडियो में, बड़ा मज़ा आता है। आजकल बहुत आसान हो गया है, ऑटो ट्यूनर पे डाल दीजिए, बेसुरा गाइए, सुर में निकलता है एकदम, और फिर उसके साथ वो म्यूज़िक पैडिंग वगैरह सब कर देते हैं, एकदम बढ़िया हो जाता है। Bachchan sir and Rishi sir, you heard Justin towards your left from PTI. Yeah. Both of you have had massive success in your career of lasting several decades. Is there still somewhere in the back of your head the fear of failure when a film comes out? Or perhaps it's essential for a star to let go of the fear eventually? No, it's always a fear. And from the day, much before it is released, that's all we talk about. What is going to happen? How many theaters? How much do we expect? Are they going to like it? Not going to like it? Komal Nahata is laughing because he knows that his verdict is the first one that we read and we make an opinion. Yaar, Komal Nahata ne isko flop bol diya, gaye kaam se. So yes, it's always a worry for us. And even now, just before we came hiding behind the screen, Chintu and me were just talking about, you know, what is the collection, what is going to happen, what is going to happen in the days to come. 7% drop, what does that mean? I met Amir yesterday. Amir came to see me yesterday for some other matter. And he had a peculiar a financial reading about film. He said, your first week collection, or no, so your first weekend collection, that is 3 days, if it is, say, 10 crores, if you multiply it by 3, that is an estimate of where your film will eventually go. I don't know if that's correct. And if it is, yeah, if it sustains in the remaining days, then you multiply by 5. Am I right? Komal, you're a genius. Really? So that's what he said. So if that is the assumption that we take mathematically, I don't know all this. So then I think that we are on good ground. What do you feel, Chintu? You're very good. No, this is news to me. I didn't know. Yeah. Ye theory nahi honi thi mere ko. Yeah.
जैसे आप लोगों ने फिल्म देखी है उसमें एक सीन है जहाँ पे आई होप यू अंडरस्टैंड वाला जो सीन है वो एक्चुअली 12 पन्ने का सीन था, और मैंने बच्चन साहब को कहा कि सर ये हम लोग वन शॉट पूरा करेंगे, मतलब जिसमें आपको प्रॉपर्टी हैंडलिंग भी है, इमोशंस के भी इतने चेंज ओवर्स है, सार्काज्म है, रोना है, प्रॉपर्टी हैंडलिंग में आपको रिकॉर्ड रखनी है, मूवमेंट काफ़ी है, मतलब वो यहाँ से चिंटू जी के पास जाएंगे, फिर वापस वहाँ जाएंगे, 3-4-8 मूवमेंट है, फिर जाके फ़ोन करना है, फ़ोन पे बात करनी है, तो ये पूरा सीक्वेंस 12 पन्ने का था। तो मैंने रिक्वेस्ट किया था बच्चन सर को कि सर ये वन शॉट करेंगे, एंड अभी आपको जो फिल्म में दिखाई दे रहा है उसमें आपको बीच में कट्स दिखेंगे कि बीच में चिंटू जी का क्लोज आएगा या जिमित का क्लोज आएगा, पर वो 12 पन्ने का सीन था वो हम लोगों ने वन शॉट पूरा सीन शूट किया था, और बच्चन सर ने पहले टेक से ही इतना बढ़िया करना शुरू हो गया था कि हम लोग जब बच्चन सर कहते थे कि और एक करना तो हमको लगता था नहीं है अच्छा मिला है, पर ही वॉज ऑलवेज ट्राइंग कि 12 पन्ने का सीन जो था वो करते थे एक टेक में। तो मुझे मालूम है कि मैंने कहा कि यार लक्ष्मण इज़ आवर DOP कैमरामैन थे, मैंने उसको बोला कि लक्ष्मण ये थोड़ा फोकस गड़बड़ लग रहा है, इतना लंबा शॉट दिया बच्चन सर ने और इतना आउट ऑफ फोकस जाएगा, तो मैं उनको किस कैसे बोलूं कि आउट ऑफ फोकस था आप और एक बार कीजिए। तो लक्ष्मण ने कहा कि आउट ऑफ फोकस सीन नहीं है, बिकॉज यू आर क्राइंग, आपकी आंखों में पानी इतना है कि आपको जो सीन है वो आउट ऑफ फोकस लग रहा है। एंड देन जब मैंने आजू बाजू देखा तो पूरा यूनिट था, वो पूरा यूनिट ऐसे ही रो रहा था, तो मैंने बोला कि यार क्या बात है। तो यही एक मैंने जो कोमल जी के शो पर भी शेयर किया था कि बहुत ही बढ़िया ऐसे कुछ सीक्वेंस होते हैं जिसको वन शॉट में ही शूट करना मज़ा आता है, और ये सीन ख़त्म होने के बाद रात को मुझे 2:30 या 3 बजे बच्चन सर का और एक बार रात को फ़ोन आया 2:30 बजे और मुझे कहा कि उमेश अगर लाइटिंग सुबह भी चेंज नहीं हुई है तो वापस वही कर देना क्योंकि मैं और एक बार करना चाहता हूँ। सो 2:30 बजे उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि मैं सुबह और एक बार ये सीन फिर से करना चाहता हूँ। देन अगेन वी टुक 2-3 शॉट्स एंड अभी सीन देखिए आप कैसा लग रहा है। आई थिंक समटाइम्स